कोतवाली थाना पुलिस द्वारा आज महिला एवं बालिका अपराध के प्रति जागरूक करने की दिशा में कोतवाली में गुड टच बैड टच पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 10 से 16 साल तक की बच्चियों को जानकारियां प्रदान की गई। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे अभियान बेखौफ आवाज के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि लगातार बढ़ रहे बाल अपराध के प्रति इन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी अप्रिय घटना हो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। इस दौरान वहां मौजूद पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लता भोजवानी ने कहा कि एसपी द्वारा चलाया गया यह अभियान काबिले तारीफ है, इससे महिलाओं व लड़कियों में अपराधियों से लड़ने में हिम्मत मिलेगी। ये जो बेखौफ आवाज का कैंपेन चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज 11 बजे से लेके और 1 बजे तक दोपहर एक वेबिनार का कार्यक्रम है, जिसमें सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में श्रीमान आईजी के साथ जयपुर रेंज जयपुर और अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये और अपने पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर बच्चों को संबोधित कर रहे हैं और बच्चों से संवाद कर रहे हैं, जिसके तहत उनको ये समझाया जा रहा है कि असुरक्षित स्पर्श क्या है और सुरक्षित स्पर्श क्या है, इससे कैसे बचें और इसके बारे में अगर ऐसी घटना होती है तो किसे इसकी जानकारी दें, कि कैसे अपने माता पिता को बताएं, परिजनों को बताएं। आज अलवर पुलिस द्वारा बहुत ही अनोखी पहल की गई है, जिस पहल की आवश्यकता बहुत समय पहले से थी। हम देख रहे हैं जो महिलाओं की स्थिति है, ना सिर्फ महिलाओं की यानी कि प्रताड़ना की जो स्थिति है और जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और ख़ासकर से बच्चे जो है हम देख रहे हैं 6 महीने की बच्चियों के साथ ऐसे रेप केसेस हो रहे हैं या फिर और भी चीज़ें जो अन्याय से संबंधित है, ऐसे केसेस हम देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए बच्चों का मानसिक रूप से परिपक्व होना आज की नितांत आवश्यकता है, जिसको देखते हुए आज अलवर पुलिस द्वारा बहुत ही शानदार पहल की गई है, जिसमें जो बच्चे 10 से लेकर 16 साल तक के हैं उन सभी को कोतवाली में बुलाया गया है, जिससे वे संवाद कर सकेंगे, जहां पर एसपी महोदया भी मौजूद रहेगी। और एसपी महोदया की जो ये पहल की गई है वास्तव में ही सराहनीय है, और इस तरीके के कार्यक्रम करवाते रहने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो मानसिक रूप से परिपक्व हो सके।